नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे ईपीएफओ यानी कि नई पेंशन योजना के बारे में। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आप नई पेंशन स्कीम के तहत आते हैं तो यह खबर आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि अब आपके पेंशन स्कीम में बदलाव होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो रिटायरमेंट फंड संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ संगठनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि जिन्हें 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा का बेसिक वेतन मिल रहा है और वे अपनी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत कवर नहीं किए जा रहे हैं, तो वर्तमान में संगठनिक क्षेत्र के वे कर्मचारी जितना मूल वेतन जिसमें कि उनका महंगाई भत्ता के साथ 15,000 रुपये तक है, वे अनिवार्य रूप से EPS 95 के तहत आते हैं। PTI की माने यानी कि न्यूज एजेंसी PTI की माने तो EPFO के सदस्यों के बीच में ऊंचे योगदान पर ज़्यादा पेंशन की मांग की गई है। इस प्रकार उन लोगों के लिए एक नया पेंशन उत्पाद यानी कि योजना लाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, जिसका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से ज़्यादा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि पेंशन का प्रस्ताव 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में EPFO के फैसले लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि CBT के बैठक में आ सकता है। बता दें कि इस बैठक में CBT नवंबर 2021 में पेंशन के लिए गठित एक उप समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नई पेंशन स्कीम के तहत जो बात कही जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि 15,000 से अधिक वेतन मिल रहा है वे EPS 95 के तहत 8.33% की कम दर से हो रही योगदान कर पाते हैं, इस कारण से उन्हें कम पेंशन मिलता है। आपको बता दें कि EPFO ने साल 2014 में मासिक पेंशन योग्य मूल वेतन को 15,000 रुपये तक सीमित करने के लिए योजना में संशोधन किया था। 15,000 रुपये के सीमा केवल सेवा में शामिल होने के समय लागू होती है। संगठनिक क्षेत्र में वेतन संशोधन और मूल्य वृद्धि की वजह से इसे 1 सितंबर 2014 से 6,500 रुपये के ऊपर संशोधित किया गया था। नई पेंशन स्कीम को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि CBT की आने वाली बैठक में वित्तीय साल 2021-2022 में ब्याज से जुड़े फैसले होने हैं। इस बैठक को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि इस बैठक में 2021-2022 के लिए ब्याज दरों का तय करने का प्रपोजल लिस्टेड है। पूर्व श्रम मंत्री बंगारू दत्तात्रेय ने साल 2016 में लोकसभा में लिखित जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत कवरेज के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव EPFO ने पेश किया था, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। इसी के बाद इस नई पेंशन स्कीम की बात जो है कही जा रही है। ऐसे में अब देखना है कि नई पेंशन स्कीम के तहत आने वाले लोगों को इसका कितना लाभ मिल पाता है और इसको लेकर जो है EPFO जो नया प्रस्ताव लाना चाहती है उस पर जो है क्या विचार विमर्श होकर निकलता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।